नमस्कार। आज हम कक्षा दसवीं के अध्याय 5 राजियारा सोरठा शीर्षक का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हमने पूर्व में कई सोरठे पढ़े और उनमें नीतिगत बातें सीखी, तो कवि कृपाराम इन सोरठों में लिखते हैं कि दूध नीर मिल दोय, दूध नीर मिल दोय, हेक जिसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोई, राजहंस बिना राजिया। दूसरे सोरठे में कहा है कि मले गिर मंजार, मले गिर मंजार, हर को तर चलन हुए, संगत लिए सुदार, रूखा ने ही राजिया। तो इन सोरठों में कवि कृपाराम राजिया को संबोधित करते हुए जो नीतिगत बातें बता रहे हैं, पहले इनके शब्दार्थ लिखते हैं और फिर इनकी व्याख्या करेंगे। शब्दार्थ में है नीर, नीर का मतलब होता है जल, और इसके पर्यायवाची वैसे आपको पता है जल, तोय, नीर, अंबु, सलील, वारी इत्यादि। मिल, मिल ये ले अले है जो राजस्थानी भाषा का वर्ण है। मिल, मिल का मतलब मिलकर, मिलना। दोय, दोय का मतलब होता है दो। हेक, हेक ने एक ही या एक होना। जिसी, जिसी यानी जैसी। आकृत, आकृत, आकृत यानी आकृति या रूप, आकृति या रूप। हुए, हुए यानी हो गए हैं या होकर। करण न्यारो कोई, राजहंस बिन राजिया। न्यारो, न्यारो का मतलब होता है अलग करना, अलग। राजहंस, राजहंस एक जलीय जीव है, जल पक्षी। जल पक्षी दूसरे में है मले गिर, मले गिर, मले गिरी पर्वत, एक पर्वत का नाम है मले गिरी। पर्वत मंजार, मंजार यानी मध्य में। हर को चंतर, हर को, इसमें हर कोई। तर, तर का मतलब तरुवर, तरुवर यानी पेड़। इनके पर्यायवाची होते हैं तरुवर, तरु, वृक्ष, विटप, पेड़ इत्यादि। तर चंदन हुए, चंदन, चंदन यानी चंदन। हुए यानी हो जाते हैं। संगत लिए सुधार, संगत यानी संगति या साथ रहना, संगति या साथ। रूखा ने ही राजिया, रूखा
रूंखा का मतलब भी वृक्ष, वृक्ष। इस प्रकार इनमें ये शब्दार्थ है। अब इनकी संदर्भ व प्रसंग, प्रस्तुत सोठे कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित राजियारा सोठा शीर्षक से उद्धृत है। प्रथम सोठे में कवि ने दूध व पानी का उदाहरण देकर किसी विशेष व्यक्ति द्वारा ही किसी वस्तु के गुण और दोषों को परखने का बोध कराया है। द्वितीय में कवि ने संगति का प्रभाव बताया है। व्याख्या, कवि कृपाराम इसमें लिखते हैं कि दूध नीर मिल दोय हेक जिस आकृति हुए, कि दूध और पानी दोनों ही तरल होते हैं और दोनों मिलकर के अगर पानी और दूध को मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर के एक ही आकृति के बन जाते हैं, अर्थात एक ही रूप में ढल जाते हैं, पानी और दूध एक हो जाते हैं। करण न्यारो कोई राजहंस बिन राजा, और उस दूध और पानी को मिलाने पर उनके मिश्रण को यानी कि कोई भी व्यक्ति उसे अलग नहीं कर सकता। ये किसी में सामर्थ्य नहीं है, मगर एक जल पक्षी यानी राजहंस ही एक ऐसा प्राणी है जो दूध और पानी उन दोनों को ही अलग कर सकता है, एक ही प्राणी ऐसा है। अर्थात तो कवि इसके माध्यम से ये समझाना चाहता है कि व्यक्ति में या किसी भी वस्तु में क्या गुण है क्या दोष है, इनकी पहचान एक गुणवान या सज्जन व्यक्ति ही कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ राजहंस किसी गुणीजन विद्वान या सज्जन का प्रतीक है, किसी गुणवान या विद्वान सज्जन का प्रतीक है। कि जिस प्रकार से राजहंस ही केवल दूध और पानी को अलग कर सकता है, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति ही किसी वस्तु के गुण और दोषों को परख करके देख सकते हैं, हरेक व्यक्ति में ये सामर्थ्य नहीं हो सकता। दूसरे सोटे में कवि कहता है, मले गिर मंजार थर को तर चंदन हुए। इसमें कवि ने संगति का प्रभाव बताया है कि जिस प्रकार से हमारे भारत में एक मलेगिरी पर्वत है और उस मलेगिरी पर्वत पर अत्यधिक मात्रा में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, और उन चंदन के वृक्षों के कारण उस पहाड़ पर और अन्य कई जो पेड़ पौधे होते हैं, तो चंदन एक विशेष प्रकार का वृक्ष है जिसमें शीतलता होती है, जिसमें सुगंध पाई जाती है, और उस पर्वत पर अन्य जो वृक्ष पाए जाते हैं वो भी उन चंदन के वृक्षों की संगति से, उनके साथ रहने से, उनके पास में रहने से वह भी चंदन के गुण ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात वे भी सुगंधित बन जाते हैं। तो इसमें कहा है कि मलेगिरी मंजार हर तर चंदन हुए, यानी कि मलेगिरी पर्वत पर उगने वाले प्रत्येक जो वृक्ष हैं वो भी उनके संगति में रहने से चंदन जैसे गुण ग्रहण कर लेते हैं। संगत लिए सुधार रूखा नहीं राजिया। तो कवि कृपाराम कहते हैं, हे राजिया, जिस प्रकार से पेड़ों में भी यानी कि चंदन के गुण आ जाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति जैसे लोगों की संगत में रहता है तो वह उसी के गुण ग्रहण कर लेता है, उसमें भी उनके गुण समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार ये संगति का प्रभाव इसमें बताया है। तो ये व्याख्या थी। अब है विशेष। विशेष में हम लिख सकते हैं कि इन सोटों में कवि ने डिंगल मिश्रित राजस्थानी सहज व सरल बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें राजहंस जैसे शब्द का प्रयोग कर यानी कि विशेषता या गुण दोषों की परवाह करने वाले व्यक्ति का वर्णन किया है, और संगति का प्रभाव बताया है। तो
तो इस प्रकार हम दो तीन बातें विशेष में लिख सकते हैं। अब है गृह कार्य। गृह कार्य में आपको प्रस्तुत शोर्टों की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। दूसरा प्रश्न है, कवि कृपाराम ने राजहंस को किसका प्रतीक बताया? राजहंस को कवि ने सज्जन, विद्वान व गुणीजनों का प्रतीक बताया है। मलयगिरि पर उत्पन्न होने वाले वृक्षों में क्या विशेषता आ जाती है? कि मलयगिरि पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष भी चंदन जैसे गुण ग्रहण कर लेते हैं, उनमें भी शीतलता आ जाती है, सुगंध आ जाती है। प्रश्न चौथा है, कौन से स्थान पर चंदन के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं? तो लिखेंगे मलयगिरि पर्वत पर चंदन के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये आपको गृह कार्य भी करने हैं और पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।